नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका विलोमास किचन एंड ट्रैवल में। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ हल्दी दूध यानी कि गोल्डन मिल्क या टर्मरिक मिल्क। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सॉस पैन ले लेंगे। यहाँ पे मैंने स्टील का सॉस पैन यूज़ किया है। उसमें हम डाल देंगे एक गिलास दूध। तो ये मैं एक गिलास दूध का बता रही हूँ, आप उस हिसाब से आप उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो दूध को हम गरम करने के लिए रख देंगे। जैसे ही दूध हमारा उबलने वाला होगा, हम डाल देंगे उसमें 1/4 चम्मच हल्दी। हल्दी को हमें दूध में ज़्यादा नहीं पकाना है, इसलिए जैसे ही उबाल आने वाली होगी उससे पहले ही हम हल्दी डालेंगे। मिला लेते हैं 1/4 चम्मच गोल मिर्च पाउडर। अब हम डालेंगे 1/4 चम्मच सिनेमन पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी दूध के बारे में मैं आपको क्या बताऊं? आपको तो पहले से ही पता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा ये कैंसर के रिस्क को भी रिड्यूस करता है। कहा जाता है कि ये ब्रेन फंक्शन में भी मदद करती है। और जिन लोगों को रात को सोने में तकलीफ़ होती है, वो रात को सोने से पहले एक गिलास हल्दी दूध पिएं तो उनको नींद भी अच्छी आती है। तो आप अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अभी के माहौल में ये सबसे बेस्ट है। तो हर दिन हल्दी दूध पीना ना भूलिए। तो दूध में उबाल आ गई है, हम अभी गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर देंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे पियेंगे या फिर हल्का गर्म में ही इसे आप पी सकते हैं। अगर आपको हनी ऐड करना है तो आप हनी ऐड कर सकते हैं जब दूध ठंडा हो। हल्दी दूध में अदरक भी डालते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ सिनेमन और गोल मिर्च पाउडर डाला है। कुछ लोग सिर्फ हल्दी डाल के भी दूध पीते हैं, तो आप इस तरह से ट्राई कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी होता है ये दूध। और मैंने तो सिर्फ सिनेमन यूज़ किया है, आप हनी डाल के पीजिए, बहुत अच्छा लगता है ये दूध। आशा करती हूँ आपको आज का ये रेसिपी अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करके देखेंगे। ये बहुत ही यमी होती है, आराम से पी सकते हैं आप। और आपको अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहें। Thank you for watching. Meet you on next vlog. Till then, bye and take care.